सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। बॉलीवुड ने फिल्म बनाई पर सरकारें पाठ्यक्रम में नहीं उतार पाई। कारगिल के युद्ध में यह दिल मांगे मोर के नारे जैसा नारा देकर देश के लिए शहीद होने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत की कहानी को बॉलीवुड ने फिल्म के रूप में दिखाकर सम्मान दिया, पर सरकारें जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर पाईं। बॉलीवुड की फिल्म शेरशाह में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी को दिखाया गया है। विक्रम पर बनी बॉलीवुड फिल्म हिट हुई थी। बता दें कि विक्रम बत्रा के परिजन चाहते हैं कि उनके बेटे की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में जुड़े, जिससे बच्चे शहीदों की बहादुरी से प्रेरणा ले सकें। इस बाबत शहीद बत्रा के पिता केंद्र सरकार को पहले पत्र भी लिख चुके हैं, हालांकि अभी तक इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। वहीं परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की बात करें तो बॉलीवुड भी उन्हें सम्मान दे चुका है। उनके नाम की बनी शेरशाह फिल्म आज पूरे देश में हिट रही है। मार्केट सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक, 3 के खिलाफ एसआईटी ने दर्ज की एफआईआर। भंग होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित मार्केट सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। इस भर्ती परीक्षा में आयोग की निलंबित वारिस सहायक उम आजाद का बड़ा बेटा नितिन आजाद मेरिट सूची में 5वें रैंक पर था। वहीं राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की विशेष जांच दल एसआईटी ने पेपर लीक मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मंगलवार को उम आजाद, उसके बेटे नितिन आजाद और पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र समेत 3 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एसआईटी की ओर से यह 11वीं एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व में 10 विभिन्न एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक उम आजाद, उसके 2 बेटे, आयोग के 2 चपरासी और 2 दलालों समेत कुल 25 लोग नामजद हैं। हिमाचल में आज कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जनता को सावधानी बरतने की एडवाइजरी, स्कूलों में 28 जुलाई तक बढ़ाई छुट्टियां। हिमाचल में मानसून करंट निरंतर एक्टिव बना हुआ है, प्रदेश में इससे खूब तबाही हो रही है। बीती रात को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश से नुकसान की सूचना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज व कल के लिए 8 जिलों को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं यह अलर्ट चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर जिले को दिया गया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश व बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इसे देखते हुए जनता को सावधानी बरतने, उफनते नदी नालों के आसपास और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने तथा गैर जरूरी यात्राएं टालने की एडवाइजरी दी है। वहीं ऊना, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में भी तेज बारिश हो सकती है। कर्मचारी की करतूत जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर 6 वर्ष अधिक कर ली नौकरी। जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर अधिक समय अवधि तक नौकरी करने वाले कर्मचारी पर विजिलेंस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। राज्य सतर्कता तथा एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने शिकायत मिलने के पश्चात मामले की जांच आरंभ की थी। ऐसे में अब जांच के उपरांत उक्त कर्मचारी पर धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। सेब उत्पादक क्षेत्रों की 374 सड़कों को बहाल करने के लिए लगाई 592 मशीनें। सेब सीजन के दौरान बागवानों की उपज मंडियों तक आसानी से पहुंचाना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे सेब उत्पादक क्षेत्रों के 23 मंडलों में 374 सड़कें बंद हैं। सड़कें बहाल करने के लिए 592 मशीनें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों पर अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग को सड़क बहाली के काम में निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं सेब उत्पादक क्षेत्रों के रामपुर मंडल में सबसे अधिक 60 और कुमारसेन में 38 सड़कें बंद हैं। सीएम के चाचा से 140 की जगह मांगे 3,300 रुपये, टांडा की प्राइवेट लैब्स में वसूली जा रही भारी भरकम फीस। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चाचा देशराज से टांडा अस्पताल के बाहर प्राइवेट लैब वालों ने टेस्ट करने के लिए 3,300 रुपये मांग लिए। यह मामला सोमवार को सामने आया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चाचा देशराज रूटीन चेकअप के लिए टांडा अस्पताल में आए थे तो उन्हें कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। जब वो टांडा अस्पताल के बाहर स्थित प्राइवेट लैब में गए तो उनसे टेस्ट के 3,300 रुपये मांगे गए।
उसके उपरांत उन्होंने यह टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन जैसे ही टांडा अस्पताल को इसकी भनक लगी तो उन्होंने देशराज का टेस्ट कृष्णा लैब में मात्र 140 रुपए में ही कर दिया। वहीं जहां एक तरफ ये दावा किया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों से लेकर टेस्टों की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है, वहीं हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विपक्ष नेता जयराम बोले, आरोप न लगाएं सरकार ने क्या दिया, पहले ये बताएं केंद्र की दी राहत ही लोगों को बांटी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाने से पहले मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने क्या किया। प्रदेश में हुई तबाही की हालत देखकर मैं दिल्ली गया और गृह मंत्री अमित शाह को पूरे मामले से अवगत कराया। उन्होंने 183 करोड़ जारी किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल भेजते हुए कहा कि जल्द दूसरी किस्त भी पहुंच जाएगी। अगले दिन 181 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त आ गई। राहत और बचाव कार्य के लिए सभी सहयोग दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या किया और सरकार ने क्या किया, कांग्रेस नेताओं ने आपदा में भी सिर्फ सेल्फी खींचने का काम किया। वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत थुनाग में उपस्थित लोगों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को जो राहत राशि आपदा में बांटी गई है वे सारे पैसे केंद्र सरकार ने दिए हैं। राज्य सरकार ने तो एक फूटी कौड़ी अभी तक लोगों को नहीं दी है। करंट से मौत पर 5 लाख रुपए मुआवजा, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किए नए आदेश, बिजली बोर्ड करेगा भुगतान। करंट से मौत होने पर अब 5 लाख रुपए तक मुआवजा देना होगा। विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं, जबकि इससे पहले ऐसे हादसे आपदा प्रबंधन में गिने जाते थे और प्रदेश सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाती थी। अब नए आदेश जारी होने के बाद सरकार किसी भी तरह का भुगतान नहीं करेगी। वहीं प्रभावित परिवार को यह मुआवजा बिजली बोर्ड अदा करेगा। हादसे में 1,25,000 रुपये की फौरी राहत भी प्रभावित परिवार को देनी होगी, जबकि घायल होने वालों को 8,000 से 25,000 रुपये तक फौरी राहत प्रदान करने के आदेश दिए गए। विद्युत नियामक आयोग ने एक और बड़ा बदलाव हादसे में 100% दिव्यांग होने वालों के लिए भी किया है। वहीं इस हादसे में यदि कोई व्यक्ति बिजली की वजह से हादसे का शिकार होकर पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 4 लाख रुपए बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे, जबकि अंग भंग होने की स्थिति में 1 से 2 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। इससे पूर्व 60% तक दिव्यांग होने की स्थिति में 2 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान था। आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 50,000 से 1 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। लाखों उपभोक्ताओं को राहत, राशन डिपो में मिलेगा 14 किलो आटा। हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है, उन्हें अगले माह 3 किलो ज़्यादा यानी 14 किलो आटा मिलेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अगस्त माह के लिए राशन की अलॉटमेंट जारी कर दी है। अगले माह APL उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 14 किलो आटा मिलेगा। वहीं सभी डिपो होल्डरों को 14 किलो के हिसाब से आटे की डिमांड देने के लिए कहा गया है। हालांकि चावल अभी 5 किलो प्रति कार्ड के हिसाब से ही मिलेगा, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले अप्रैल माह से डिपो में उपभोक्ताओं को 11 किलो प्रति राशन कार्ड के हिसाब से आटा दिया जा रहा था। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।